दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे नॉइज पे। क्या टाटा टेक्नो इसके शेयर में अभी खरीदारी करना चाहिए? शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर रहा है या फिर इसको बेच देना चाहिए? डिटेल में समझेंगे हम लोग इस वीडियो में टाटा टेक्नो इसके शेयर को लेकर। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे नॉइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। स्टॉक की बात है दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ आया था इंडिया में, जितने भी आईपीओ आया उसमें से एक जबरदस्त आईपीओ आप बोल सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज का था। टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर में जो आईपीओ आया, आईपीओ आने के बाद इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया था, तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो है ज्यादा प्राइस में शेयर में खरीदारी किया था। इसका जो शेयर का हाई प्राइस था लगभग 1400 रुपीज के आसपास ये शेयर पहुंच गया था, और इसका जो लो प्राइस था 1151.15 पैसे के आसपास इसका लो प्राइस था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर में ज़्यादा प्राइस में खरीदारी किया है, क्योंकि उनको लग रहा था कि टाटा टेक्नोलॉजीज का जो शेयर है 1600 तक भी पहुंच सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो टाटा टेक्नोलॉजीज का जो शेयर है जो 52 वीक का लो प्राइस है उसके आसपास पहुंच गया है अभी, और इसका जो हाई प्राइस था 1400 का था। यहाँ पे एक दिन में देखेंगे तो टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर में कुछ खास तेजी वगैरह देखने को नहीं मिल रहा। एक हफ्ते में 0.8% का गिरावट दिया है स्टॉक ने, डाउन बना, और एक महीने में 1.7% ये शेयर डाउन बना। तो यहाँ पे देखिए टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर में यहाँ पे एक महीने में भी देखते हैं जो इसका हाई प्राइस था 1284.80 पैसे का, और जो लो प्राइस था 1165.25 पैसे का, और दोस्तों एक हफ्ते के अंदर जो इसका हाई प्राइस था 1197.90 पैसे का, और जो लो प्राइस था 1168 रुपीज़ का। दोस्तों टेक्निकली हो सकता है कि टाटा टेक्नोलॉजी जो अभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर में और भी ज़्यादा गिरावट बने। यहाँ पे जो इसका मार्केट कैप है टाटा टेक्नोलॉजी का वो है 47,473.40 करोड़ का, 4 करोड़ का, और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है, प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो है 15.9 का, जो कि इस इंडस्ट्री में देखेंगे तो हाई है। फंडामेंटली टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसका आप देख सकते हैं एक दिन में BSE और NSE मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 952.6 का, डिलीवरी परसेंटेज 67.5% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 642.6 का है। एक हफ्ते का BSE NSE मिला के एवरेज है 923.4 का, डिलीवरी परसेंटेज 58.6% का, डिलीवरी वॉल्यूम 540.6 का। एक महीने का BSE और NSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 2 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 39.7% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 782.6 का है। अभी यहाँ पे देखिए जो डिलीवरी परसेंटेज है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, डिलीवरी वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों थोड़ा टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर का हम लोग या फिर टाटा टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू देखते हैं। देखिए इसका जो आईपीओ आया था मिड कैप कैटेगरी में इसका आईपीओ था, और आईपीओ जो आया था मिड कैप कैटेगरी में फॉलोइंग ए रीस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव बाय द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। अभी यहाँ पे जो टाटा टेक्नोलॉजीज का आप देख सकते हैं इसको जो है एक मिड कैप कैटेगरी में ऐड किया गया था, जहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द मिड कैप लिस्ट एज पर द न्यू मार्केट कैटेगराइजेशन लिस्ट फॉर H1 CY 24 अनाउंस्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। तो ये मिड कैप कैटेगरी में लिस्ट हुआ था टाटा टेक्नोलॉजीज का, और उसके बाद जो इसका आईपीओ आया था एक स्ट्रॉन्ग जो है डिमांड देखने को मिला था मार्केट में, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिला था। हाईएस्ट अमाउंट जो इसका बेच का था वो था 3043 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने आईपीओ आने के बाद ये शेयर को लिया है तो ये एक कंपनी जो है एक ज़बरदस्त इसका जो आईपीओ है इसका आया था, और जहाँ पे एक ज़बरदस्त डिमांड इन्वेस्टर्स के ओर से देखने को मिला था। इसका जो हाईएस्ट अमाउंट था बेच का वो था 3043 करोड़ का। शेयर ने फिर भी कुछ खास तेज़ी नहीं बनाया, मतलब आईपीओ अच्छा खासा आया है टाटा टेक्नोलॉजीज का, और उसके बाद कुछ खास तेज़ी वगैरह नहीं बना है। आईपीओ में देखिए जो इशू प्राइस था टाटा टेक्नोलॉजीज का वो था 500 रुपये का। यहाँ पे आप समझिए जो आईपीओ का इशू प्राइस था, मतलब अगर आप अपने आईपीओ में शेयर लिया है तो इशू प्राइस इसका था 500 का, और उसके बाद जो अभी भी देखेंगे तो शेयर जो है ज़्यादा प्राइस में ही चल रहा है। आपने अगर इशू मतलब जो इसका आईपीओ आया उसके बाद मार्केट में लिस्ट होने के बाद खरीदारी किया है तो हो सकता है कि इसमें आपको कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिला है, अगर आपने ज़्यादा प्राइस में शेयर को खरीदा है तो। ये एक ओवरव्यू है इसके आईपीओ को लेके और जो शेयर को लेके। अभी यहाँ पे थोड़ा फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 35.55% का स्टेक है टाटा टेक्नोलॉजीज का। वही दोस्तों जो FIS है, FIS के पास 2.46% का स्टेक है,
एंड बात करते जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स के पास 55.39% का स्टेक है टाटा टेक्नोलॉजीज का। एंड यहाँ पे देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर जो है जहाँ पे 3 महीने के अंदर लगभग 10.8% के आसपास गिरावट बना है, मतलब IPO आने के बाद। टेक्निकली टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर दोस्तों अभी भी एक बेयरिश लेवल बना रहा है, अभी भी एक बेयरिश लेवल टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर में बनता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा शेयर ने गिरावट दिया और अभी भी हो सकता है कि ये शेयर यहाँ से एक गिरावट बनाए, एक डाउन शेयर जो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा गिरावट दिया और इसके स्टॉक में जो है अभी भी गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जो इसका लो प्राइस था उसके आसपास शेयर अभी पहुंच रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज का। टेक्निकली अगर बात करते हैं शेयर का, जहां पे ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेल पे ही देखने को मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे एक दिन का भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग सेल पे ये शेयर अभी चल रहा है, मतलब बोल सकते कि दोस्तों ये शेयर ने एक अच्छा खासा IPO में बोल सकते कि लिस्ट हुआ है, उसके बाद शेयर ने कुछ रिटर्न ज़्यादा नहीं दिया है, ये शेयर यहाँ से भी और ज़्यादा गिरावट बना सकता है जो अभी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो शेयर मार्केट के मतलब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सेल करने के लिए 9 जन कह रहा है और यहाँ पे 3 जन बाई करने के लिए कह रहा है और यहाँ पे देख सकते जो है बाई करने के लिए 1 जन कह रहा है और सेल करने के लिए 7 जन कह रहा है, तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये शेयर जो है यहाँ से भी गिरावट बना सकता है। अभी जिन लोगों ने ज़्यादा प्राइस में शेयर को लेकर रखा है वो लोग क्या करें, जिन लोगों ने स्टॉक में ज़्यादा प्राइस में खरीदारी करके रखा है वो लोग क्या करें। देखिए शेयर का प्राइस अभी 1171 के आसपास चल रहा है, 1171 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। हो सकता है कि शेयर में थोड़ा और गिरावट बने और यहाँ पे बहुत बार मतलब अगर जो IPO का इशू प्राइस था 500 के आसपास, शेयर क्या वहाँ तक भी पहुँच सकता है? तो दोस्तों लगता नहीं कि शेयर वहाँ तक पहुँच सकता है 600 के आसपास, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपको ज़रूर रखना चाहिए और यहाँ पे एक मतलब अगर आप यहाँ से होल्ड भी करते हैं, देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और हो सकता है कि आगे चल के इसका जो रिजल्ट वगैरह आएगा क्वार्टरली उसमें एक ज़बरदस्त रिजल्ट पोस्ट करे और स्टॉक में तेज़ी भी बने, तो आपको इसमें होल्ड करना पड़ सकता है ज़्यादा समय और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए दोस्तों, क्योंकि स्टॉक में जो है शेयर में जो है टाटा टेक्नोलॉजीज का बहुत ज़बरदस्त गिरावट बना, बहुत ज़बरदस्त डाउन जो है शेयर बना है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो शेयर में जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अभी भी बोल सकते हैं कि ये जो है टेक्निकली अभी भी सेल बता रहा है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अभी भी सेल करने के लिए बता रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही सेल करना है, एक स्टॉप लॉस रखिए इसमें। फिलहाल जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है हम लोगों ने कोशिश किया वो आपके साथ शेयर किया जाए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।